आप देख रहे हैं नंबर वन टू का जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कवायद, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं या किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो इस बीच जो प्रयास होते हैं उसे ही कवायद कहते हैं। कुछ पाने के लिए कवायद अगर कड़ी हो तो फिर मंजिल भी मिल ही जाती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इधर मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी से चयनित 91 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपनी नियुक्ति के लिए कवायद में जुटी है। चलिए पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां निकाय चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस की कवायद को कामयाबी मिली। वहीं सभी नगर निगमों में अपने महापौर काबिज करने के लिए कांग्रेस ने जो कवायद की वो भी बीजेपी से बेहतर रही। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य के कुल 10 नगर निगम में से 8 पर कांग्रेस ने अपनी शहर सरकार बना ली है और अभी 2 निगमों में महापौर का चुनाव होना बाकी है। माना यही जा रहा है कि यहां भी कामयाबी कांग्रेस के ही हाथ लगेगी। हालांकि इसके लिए अभी 10 जनवरी तक का इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि इस बड़े झटके के बाद बीजेपी आखिर कैसे उतरेगी। केसरिया ब्रिगेड क्या पंचायत चुनाव में अपनी धाक जमाकर अपने खोए वजूद को फिर हासिल कर सकेगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही चर्चा मध्य प्रदेश की भी होगी, जहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 91 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। नियुक्ति के इंतजार में 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन नियुक्ति को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी है। ऐसा तब है जब उम्मीदवार टॉपर है। क्या अधिक अंक हासिल करना गलत है? नंबर ज्यादा पाने की वजह से उनकी नियुक्तियां रोकना क्या जायज है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन महिलाओं के जहन में हैं जिन्होंने अच्छे अंक हासिल कर परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन नियुक्ति फिर भी नहीं मिल पा रही। आखिर पेच कहां फंस रहा है? आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं क्योंकि यहां महापौरों पर मारामारी हुई। काम दाम दंड और भेद, राजनीति में ये सब कुछ जायज है और छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में ये देखने को मिला। तमाम तरह के राजनीतिक समीकरणों के बीच आखिरकार कांग्रेस ने 10 में से 8 नगर निगम में अपना कब्जा जमा लिया। अब 2 नगर निगम अंबिकापुर और कोरबा में चुनाव होना बाकी है। इसमें अंबिकापुर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत पहले से ही है, जबकि कोरबा में बहुमत जुटाने का दावा सत्ता पक्ष की ओर से लगातार हो रहा है और लग रहा है कि कांग्रेस यहां भी अपना महापौर बना लेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने अब तक जो दावा किया है वो दमदार निकला है। आज 5 नगर निगमों में महापौर और सभापति के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, जबकि बीजेपी को सभी जगह निराशा हाथ मिली। आखिर क्या वजह है जो विपक्ष छत्तीसगढ़ में अपना लगातार वजूद खो रहा है? अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी पंचायत चुनाव में अपनी धाक कैसे जमाएगी? प्रश्न बड़ा गंभीर है, इस पर चर्चा करें। चलिए उसके पहले दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में सब जायज है और यही सोमवार को छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए महापौर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी दिखा। कांग्रेस ने अपने दावे के मुताबिक अब तक 10 में से 8 निगमों में अपना कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने धमतरी निगम में भी पहली बार जीत हासिल की। वहीं कुछ जगहों से तो बेहद चौंकाने वाले उलटफेर सामने आए। दरअसल बीजेपी पूर्ण बहुमत के नजदीक होने के बाद ही शहर सरकार नहीं बना सकी। इन 5 निगम में सोमवार को चुनाव हुए, उनमें रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, धमतरी और चिरमिरी शामिल है। इन नगर निगमों में किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन निर्दलियों के सहारे कांग्रेस इन सभी जगह अपने महापौर बनाने में सफल रही। छत्तीसगढ़ के 8 नगर निगमों में सभापति भी कांग्रेस के ही बने हैं। कांग्रेस के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि लोगों ने सरकार के 1 साल के कामकाज पर मोहर लगाई है। सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच गए थे और शहर की जनता ने सरकार की योजनाओं पे मुहर लगा दी है। इधर चुनाव प्रक्रिया से नाराज होकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग दफ्तर का घेराव कर दिया। केसरिया पलटन धरने पर भी बैठी और उसने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी इस मामले को लेकर कोर्ट भी चली गई है। नगर निगम कमिश्नर ने की है, जो कि नगर युवा स्वयं पार्टी है, तो उसके द्वारा जो सूचना जारी की गई है उसके आधार पर जो चुनाव होगा वो अवैधानिक होगा और कोर्ट के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो पूरी प्रक्रिया जो प्रदूषित हो गई है।
10 में से 8 नगर निगम में कांग्रेस ने अपने महापौर बनाकर बीजेपी को प्रदेश में बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसा तब है जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिर पर है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी पंचायत की पिक्चर को अपने नाम कर छत्तीसगढ़ में अपने खोए वजूद को जल्द हासिल कर सकेगी या फिर वक्त लगेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सत्यपाल सिंह और आशीष तिवारी के साथ रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। महापौरों पर मारामारी, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़े हैं कांग्रेस नेता सुमित दास जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता सुभाष तिवारी जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल और भोपाल स्टूडियो में क्रिकेट अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आप लोगों का बहुत स्वागत है। पहले सवाल बीजेपी से ही कर लेते हैं। सुभाष जी, इसके पहले और कई प्रवक्ता यहां बैठे थे आपके, जब ये चुनाव चल रहे थे तो दावा किया जा रहा था कि आप कम से कम 5 महापौर आप बनाएंगे और रायपुर में भी दावा करने की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होगी, क्या हो गया सब? देखिए, किसी के क्रॉस वोटिंग के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ते और क्रॉस वोटिंग के सहारे नहीं लड़ते तो फिर आज जो नगर निगम के सुभाष जी क्रॉस वोटिंग के सहारे नहीं लड़ते तो फिर तो उनके 34 थे, आपके 29 थे, तो फिर आप तो कहीं से जीत ही नहीं रहे थे। नहीं, जीत नहीं रहे थे, उनके 34 थे तो, परंतु आप ये भी तो समझिए कि जो निर्दलीय थे उनमें से बहुत से निर्दलीय जो थे वो हमारी पार्टी के साथ में जुड़े हुए लोग थे जिनको टिकट नहीं मिलने के कारण वो लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनके ऊपर पार्टी को विश्वास था कि वो अपनी विचारधारा के साथ आएंगे जी। और इसके ये, परंतु जैसा कि अभी आपने ही कहा कि महापौर के चुनाव में जो साम दाम दंड ने भेद की जो नीति कांग्रेस ने अपनाई उसके उसका कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये विजय हासिल हुई है, अन्यथा तो कांग्रेस कहीं भी इस मुकाबले में नहीं होती जी। निश्चित तौर पर इस इलेक्शन में जिस ढंग से इस इलेक्शन की व्यूह रचना की गई, जिस प्रकार से पॉलिसी कांग्रेस ने तैयार करी कि जो आज तक नगर निगम में मेयर का इलेक्शन जो डायरेक्ट होता था उसको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इनडायरेक्ट करना था। अगर आज आप महापौर बना रहे हो और आप महापौर बना करके खुश हो रहे हो तो आखिर वो क्या कारण था कि जिसके कारण आपने इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट किया? शहर का प्रथम नागरिक चुनने का अधिकार रायपुर शहर की जनता या उस नगरीय निकाय के क्षेत्र की जनता को जो होना चाहिए था उसको क्यों आपने छीना? आप में ताकत नहीं थी, आप नैतिकता खो चुके थे, आपको मालूम था कि आप सरकार के दम पर, धन बल के दम पर और अपने दबाव के दम पर आप अपना मेयर बना लोगे, यही कारण था कि आपने उस पॉलिसी को चेंज किया, अन्यथा यह पॉलिसी बीजेपी ने भी नहीं लाई थी। आपको मैं बताऊं कि जब 1999 में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए उसके पहले डायरेक्ट इलेक्शन हुए मेयर के, उसके पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते थे जो पार्षदों के माध्यम से होते थे, वो भी कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस की ही सरकार थी मध्य प्रदेश में, जी हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। आखिर उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया था कि भाजपा की लाई हुई पॉलिसी है इसलिए आप चेंज कर रहे हो, आपके ही मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह ने उसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किया था। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी? आपको मालूम था कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त हार के बावजूद प्रदेश के अंदर में एक जबरदस्त जनाधार है शहरी क्षेत्रों में, जिसको आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देगा, इसलिए आपने इसको सुभाष जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव पे हमारी बहस इसके पहले कई बार हो चुकी है, हमने कई बार ऑर्गेनाइज किया है ये निश्चित तौर पे। आज की स्थिति में बताएं कि आपको, आपका कहने का मतलब यह है कि जितने निर्दलीय थे सब आपके साथ हैं, आपको 36 चाहिए था ना, तो 7 निर्दलीय अगर हैं तो सब आपके साथ थे क्या? अरे साहब, आप ये क्यों नहीं पूछते कि आखिर वो उनके साथ क्यों चले गए? आप ये पूछे ना, आप कांग्रेस से पूछे कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो निर्दलीय आपके साथ कांग्रेस के साथ चले गए? उनकी मर्जी निर्दलीय है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते हैं, कांग्रेस के कांग्रेस, अरे उनकी निर्दलीयों की मर्जी है, चले गए वो ठीक है, कांग्रेस के साथ में क्यों गए? अरे कांग्रेस साथ क्यों गए, उनकी मर्जी, निर्दलीयों की मर्जी होगी ना, 39 वोट। आप मेरे से पूछ रहे क्यों गए, फिर आप ही जवाब दे, फिर आप ही जवाब दे रहे हो कि उनकी मर्जी वो कांग्रेस के साथ गए, तो उनकी, देखिए निर्दलीयों के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो
जहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लगा कि वो ज्यादा उनके हित में है, पांच साल का लंबा समय जो उनको एक पार्षद के रूप में गुजारना है, उन्होंने अपने आप को बेहतर समझा कि मेरे को शायद कांग्रेस के साथ जाने में मुझे ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ जाए। अब इसके पीछे और कौन सी कहानी होगी वो मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। छह आपकी विचारधारा के फिर भी चले गए वो कांग्रेस के साथ। अरे साहब, विचारधारा के साथ साथ बहुत सी और भी अन्य चीजें होती हैं। आपने एक जो पहली ही लाइन अपने स्टार्टिंग में बोला था, शुरुआत करते हुए ही इस डिबेट को, कि साम दाम दंड भेद, और साम में साम और दाम और दंड और भेद सभी चारों चीजें आती हैं। उन चारों चीजों का अगर हम और आप बैठ करके यहाँ पे विश्लेषण करने लगेंगे तो मैं सोचता हूँ बहुत लंबा समय लगेगा। बिल्कुल बहुत लंबा समय लगेगा। ये तो आप जो कह रहे हैं पूछ लेते हैं कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन ब्रजमोहन जी ने कहा है कि पूरी तरह से चुनाव असंवैधानिक हुआ है, वो कैसे कह सकते हैं? निश्चित तौर पर क्यों हुआ असंवैधानिक? आप ये बताइए साहब कि हाँ, अवैधानिक है ये इलेक्शन, पूरी तरह से अवैधानिक है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी मेयर या सभापति के चुनाव के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो जिले के कलेक्टर होते हैं, राज्य जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं पीठासीन अधिकारी। और यहाँ पर जो अधिसूचना जारी की है, संशोधित अधिसूचना जो जारी की है, वो नगर निगम के आयुक्त ने की है, जबकि नगर निगम का आयुक्त तो स्वयं एक पार्ट है, वो मेयर के अधीनस्थ काम करता है, वो कैसे इसको जारी कर सकता है? वो नहीं कर सकते जारी। दूसरी चीज, वहां पर कलेक्टर साहब को निर्वाचन, जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पीठासीन अधिकारी के रूप में होना चाहिए था, जिन्होंने मेयर और सभापति के नामांकन दाखिल किए उसको उनको रिसीव करना चाहिए था, वो उन्होंने रिसीव नहीं किया, आयुक्त ने उसे रिसीव किया है। आयुक्त क्या पीठासीन अधिकारी था क्या? मैं एक प्रश्न आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या आयुक्त जो थे वो पीठासीन अधिकारी थे क्या नगर निगम के चुनाव में? ये हमसे मत पूछिए। जिला निर्वाचन सुमित जी बैठे, अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है जी। हम ये सुमित जी से ही पूछ लेते हैं। सुमित जी, सुभाष जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, जिन वो जो कंफर्टेबल होते हैं, निर्दलीय पार्षद को जो लगता है कि कंफर्टेबल है वो जिसके साथ जाने में उसके साथ चले जाते हैं। तो एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, जो हमने शुरुआत में कहा था, आपने क्या उपयोग किया, साम दाम दंड भेद का उपयोग किया या आपकी सत्ता है उनको बेहतर लग रहा था इसलिए आ गए? देखिए, ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल रहा एक साल का जी, और 15 साल का जो कुशासन रहा भाजपा का जी, उसका सीधा सीधा जवाब इस पूरे चुनाव में आप विधानसभा चुनाव से देख सकते हैं। पूरा बम्पर वोट मिला हम लोग को, बम्पर सीट मिला। फिर हम पार्षदों के चुनाव की बात करें, नगर निगमों की बात करें, तो पूरे छत्तीसगढ़ में यह ऐतिहासिक रिजल्ट आया है कि अभी हम सभी निगमों में, अभी सिर्फ 2 निगम के शेष है आना, सभी निगमों में हमने बहुमत पाया। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भैया कहते हैं कि निर्दलीय हमारे थे, विचारधारा में सोचते थे हम। सीधी सीधी बात यह है कि सरकार का जो कार्य था और जो इन लोगों ने किया, इन लोगों ने सिर्फ काम मत कर, काम की फिक्र कर और उसका जिक्र के अलावा पूरे 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने जो कहा सो किया, इस बात पे जनता ने हम लोगों को विश्वास दिया। और सीधी सी बात है, जिसकी सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री है, तो इस बार जनता ने ये सोच लिया कि हम मेयर भी वहां का बनाएंगे। और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव का, ये तो हमारे प्रवक्ता खुद पार्षद रहे हुए जानते हैं कि ये इतनी अच्छी पद्धति इस चुनाव में आई है कि कभी भी कोई भी मेयर सभापति, ये जो एकला चलो वाला सिस्टम था उसको खत्म किया गया है। एक टीम वर्क की तरह कार्य होगा, एक टीम वर्क की तरह जितने डिपार्टमेंट उनको संभालने की जवाबदारी के साथ साथ हर एंगल से महापौर को भी ये सोचना पड़ेगा कि काम कैसे हो रहा है। अभी तक ऐसा होता था कोई MIC के सिस्टम, सब सिस्टमों को लोग ले आते थे, अभी एक पूरा टीम वर्क का कार्य होगा। और निश्चित तौर पर ये जो जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले पिछले दस सालों में जितना कम वर्क हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 3 बार से पार्षद रहे हैं, जितना कम वर्क हुआ है वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। और ऐसे स्काई वॉक
जो यहाँ बने हैं ऐसे स्काई वॉक नहीं बनेंगे। सुमित जी, जैसा कि आपने कहा कि भूपेश बघेल जी की कामों की समीक्षा के आधार पे आप सारे नगर निगम में बना रहे हैं, देखिए इसमें अगर विधानसभा चुनाव में जो आपको बहुमत हासिल हुआ था, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई थी आपके पक्ष में, वो इसमें नहीं दिख रही है। आप बहुत बहुत कम मार्जिन से आप आगे हैं, 34-29 कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ये तो फिर उनके काम पे अगर समीक्षा के आधार पे वोट की बात कर रहे हैं तो ये तो आप घट गया आपका जनाधार। मैं नहीं कह रहा हूँ ये जो पार्षद जितने जहां जहां जीते हैं जो अंतर है उसमें से तो जनाधार घट गया। फिर आप, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप अंतर को थोड़ा सा देख लीजिए जी। जितने भी रिजल्ट रायपुर की हम बात करें, रायपुर में जो रिजल्ट है उन रिजल्टों में भाजपा के दिग्गज हार गए चुनाव, लेकिन हमारे जो लोग चुनाव हारे हैं उनका भी अंतर जो परसेंटेज है बहुत कम है। और निर्दलीय साथ में आने में ये पूरे लोग भाजपा के लोग नहीं थे, कुछ हमारे लोग भी उस सूची में थे जो लोगों को टिकट नहीं मिला किसी कारणवश। तो कुल मिला के जो बहुमत जो मिलने की बात थी कि मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत कांटे की टक्कर चली है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो फिर भी जो हमारे वोट थे वो हमारे वोट कभी न क्रॉस में गए बल्कि निर्दलीयों ने भी हमको समर्थन दिया। उसमें उसका कारण सीधा सीधा हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल ही है। और फ्यूचर में जो पिछले 15 साल में जो भाजपा की सरकार में जो कमी आई है उस कमी को कहीं ना कहीं इस जनता ने भी ये पूरे करने के प्रयास के तौर पे हम लोगों को चुना है। और उसी के तहत ये जो निर्दलीय है उनको भगवान ने बुद्धि दी और निश्चित तौर पर उन्होंने महापौर बनने के लिए पूरा बहुमत दिया और पूरे वोट को दमदारी से खड़े होकर उन्होंने वोट दिया है। मतलब निश्चित तो अगर भगवान उनको बुद्धि नहीं देता तो हो सकता है बाजी पलट भी जाती, बीजेपी तरफ भी जा सकते थे। मनोज जी, सब जगह महापौर बनाने की बात हो रही है, हालांकि कोरबा का मामला अलग है, कोरबा में क्या होगा इस पर हम अभी बात कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या इतना, मैंने निर्दलीय पूरा समर्थन, कांग्रेस के एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, जैसा कि इसके पहले आप को भी ध्यान हो बीजेपी के प्रवक्ता रहते थे उनको उम्मीद थी कि कम से कम रायपुर में हम बना ही लेंगे, क्या हुआ क्या? और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नगर निगम जो कमिश्नर है पीठासीन अधिकारी कलेक्टर होना चाहिए वो थे, तो उसमें क्या तकनीकी कारण है? देखिए सर, इसी बात को लेकर आज भाजपा ने निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव किया और यही इसी तकनीकी खामी को उठाया और तुरंत एक हाईकोर्ट में इस संबंध में पिटीशन भी भाजपा की ओर से दायर किया गया है। और एक ही लाइन का उसमें तर्क है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो इस चुनाव के पीठासीन अधिकारी होते हैं और इस नाते उन्हीं के द्वारा ये निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने आधिकारिक व्यस्तता का हवाला देते हुए जो निगम कमिश्नर है उनको डिप्यूट किया था और उनके माध्यम से कराया। और इसी बात पर भाजपा ने आपत्ति की। इसके अलावा एक दो और पॉइंट थे कि वहां पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पेन और मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित रहता है, लेकिन वहां पर इन दोनों संसाधनों का प्रयोग हुआ। इन तमाम चीजों को ग्राउंड बनाकर भाजपा ने जो है इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की है और इसके खिलाफ जो है पिटीशन भी दायर की है हाईकोर्ट में। तो ये तो उनको विरोध का पक्ष था। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि क्या भाजपा के प्रवक्ता मनोज जी क्या क्यों नहीं देखे जी, कलेक्टर भी प्रशासन के मतलब सरकार के अधीनस्थ ही है, तो ऐसा कुछ शंका कुशंका जाहिर की जा रही थी कि अगर कलेक्टर होंगे तो थोड़ा हो सकता है इनको दिक्कत जाए कांग्रेस का महापौर बनाने में, या मोबाइल और पेन को प्रतिबंधित कर देंगे तो दिक्कत जाएगी, ऐसा कुछ शंका कुशंका हो रही थी क्या जाहिर? देखिए शंका कुशंका तो इस तरह की कोई जाहिर नहीं हो रही थी। एक ये बात जरूर था कि भाजपा के जो आपत्ति उसमें ये था कि जो भी मेयर बनेगा लगभग तय था कि उनका संख्या ज्यादा है और निर्दलीय उनके पक्ष में है। ये बातें दो तीन दिन से ये साफ हो गई थी कि करीब 40-41 वोट कांग्रेस के फेवर में है और महापौर कांग्रेस का बनना तय है। जिस निगम में महापौर का चुनाव हो रहा है वहीं पर उनके अधीनस्थ के रूप में निगम आयुक्त को काम करना है, तो उनको एक सामंजस्य बना के चलना और एक दबाव जो महापौर का दबाव होना चाहिए वो दबाव, मतलब ये था कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कराने में
सक्षम उस आधार पे नहीं माना गया भाजपा की ओर से, और इसी कारण से आपत्ति की गई। जी, अब इसके पहले सुंदरानी जी को उम्मीद थी, वो बार बार बोल रहे थे कि इनका नाम तो डिक्लेयर होने दीजिए कांग्रेस का, फिर देखिएगा क्या होता है, वो सब धरा का धरा रह गया उनका दावा। बिल्कुल धरा का धरा रह गया। इसी प्रत्याशा में इन्होंने प्रत्याशी उतारे थे कि शायद क्रॉस वोटिंग हो, क्योंकि कांग्रेस में 4 से 5 बड़े दावेदार थे और जमकर लॉबिंग चल रही थी, एक अपना नंबर बढ़ाने और दूसरे का नंबर घटाने के लिए। और ऐसी स्थिति में एक छोटी सी आशा की किरण भाजपा को दिख रही थी कि शायद कुछ 4-5 लोग क्रॉस वोट कर दें तो शायद हमारा काम बन जाए। तो इसी के तहत जो है ये मृत्युंजय दुबे को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था इस प्रत्याशा में कि शायद जो उनका आंतरिक असंतोष है वो बाहर आ जाए और इसका लाभ मिले। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस के हर विधायक पार्षदों को अपने कब्जे में लेकर घूम रहे थे, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, और इसका असर कहीं ना कहीं पड़ा कि क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाई और सीधे से कांग्रेस की शहर सरकार बन गई। जी सुनील जी, आप कुछ कह रहे थे मनोज जी, कह रहे हैं मनोज जी की बातों पर। जी मेरा ये कहना था कि कलेक्टर साहब जो है पूरी प्रक्रिया में तो पूरे चुनाव में दिखे, वो काउंटिंग से लेकर एक एक पर्ची जमाने तक का दिशा निर्देश उन्होंने दिया, तो कहां से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कमी कहां पे हो गई। अगर कुछ कार्यालयीन वर्क है जिसमें कि कोई अधिकारी डिप्यूट करके वर्क करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा, ये तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि तहसील में भी हम जाते हैं तो वहां तहसीलदार के बदले बाबू फॉर करके साइन कर लेता, तो ये तो एक प्रक्रिया है जो चली है। और पेन और मोबाइल से अगर सिस्टम चेंज हो जाता है तो ये सब कार्य इन्होंने पहले किया है, इस पिछले 15 सालों में इन्होंने यही सब कार्य किया है, तो अब जो काम आप किए हो वो आपको दिखेगा ही। तो अब उनको अब चीजें समझ आ रही है कि यहाँ पे ये अब साधन हो जा रहा है, ये सिस्टम यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कार्य इन्होंने अपने 15 सालों में किया है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट वर्क हुआ है, पूरा क्लियर एक एक, मतलब मैंने पहली बार देखा कि कलेक्टर इंटरेस्ट लेके बोल रहे हैं कि ये बंडल को गिन रहे हैं, एक एक बंडल को मैंने गिनते देखा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ था सिस्टम। पर फिर भी अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। सुभाष जी, कुल मिलाकर जो जीता वो सिकंदर, लेकिन महापौर और पार्षदों के चुनाव में दल बदल विधेयक नहीं लागू होता, ऐसी स्थिति में आपको उम्मीद है क्या कि 5 साल चल जाएंगे, आगे कुछ तोड़ा फोड़ी करेंगे आप? देखिए, ये मैं आज भी ये बोल रहा हूं जी कि जब आपने इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट किया जी, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ नियमों में संशोधन करना चाहिए, इस चुनाव को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए। हाँ। आपको इन विषयों पर चिंतन करके उन सब चीजों को जोड़ना चाहिए। दल बदल अधिनियम जी, दल बदल कानून जो है इस पर लागू होना चाहिए था। अगर इंड आपने उस समय जब हमने मांग किया कि हमने जब विरोध किया कि आप इनडायरेक्ट क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्ट होना चाहिए, हम इनडायरेक्ट का विरोध करते हैं। हाँ। तो उस समय आपने ये कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जब इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है तो मेयर चुनने में कहां से तकलीफ है। तो मैं वही प्रश्न आज यहां पे खड़ा करता हूं, आपके माध्यम से खड़ा करना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जब वहां पे दल बदल विधेयक अधिनियम लागू है, जब प्रदेश में दल बदल अधिनियम लागू है, तो फिर इस स्थिति में उसी कंडीशन पे जब इलेक्शन आप मेयर का कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो यहां पर फिर आपको दल बदल अधिनियम या सुभाष जी करने में तकलीफ। सुभाष जी, ये आप करा सकते हैं, सुभाष जी आप करा सकते हैं, ये लोकसभा से पारित होगा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार नहीं कर सकती है, इसको 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में राजीव जी ने पारित करवाया था। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अभी भी ये इस बात को बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ साहब कि ये जो विषय है राज्य सरकार का विषय है। देखिए हाँ। ये विषय जो है राज्य सरकार का विषय है, ये विषय जो है जब नगर निगम के
चुनाव को आप अपने ढंग से मोल्ड कर सकते हैं, तो ये दल बदल विधेयक भी अधिनियम भी इसमें जोड़ने का काम आप राज्य सरकार कर सकती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ आपके चैनल में। मैं मुझे जो मालूम है, हो सकता है इस पे अलग से बहस करें, मुझे जो ज्ञान है उसमें पार्लियामेंट ही करेगी तब जाके होगा। बाकी ठीक है, आप अपनी तरह से कह रहे हैं। आप एक बार 1974 जो अधिनियम जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसको आप पढ़िए, उसको उसमें से आप जानकारी निकालिएगा। उसमें से बहुत सी जो कंफ्यूजन है, बहुत से कंफ्यूजन है लोगों को, और वो कंफ्यूजन उसमें दूर होंगे। चलिए, ये जो दल बदल है, ये दल बदल अधिनियम स्टेट गवर्नमेंट को लाना चाहिए था। चलिए, वो नहीं लाए निश्चित तौर पे। अब आपसे मैंने सवाल किया था कि ये पूरे 5 साल चलेंगे, आपको शक है कुछ? देखिए साहब, जिस साम दाम और दंड भेद की नीति के तहत ये सरकार बनी है शहर की जी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसमें टूटा ना पाएगी जी। जब तक कोई बड़ा कारण ना हो जी, जब तक कोई बड़ा कारण ना हो तब तक टूटन आएगी। ये मुझे तो कम से कम, अभी मैं यहाँ पे चैनल में बैठकर एक विपक्षी नेता होने के कारण मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि हाँ भविष्य में ये टूट जाएंगे, मुझे ये कई बार अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए, आशा का एक संचार बनाए रखने के लिए ये बोल देना बड़ा आसान सा काम होता है। परंतु जो साम दाम दंड भेद की नीति कांग्रेस के द्वारा अपनाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसमें इस प्रकार का हमको देखने को मिलेगा। परंतु हाँ, विपक्ष के पास से एक अवसर जरूर होता है कि वो आने वाले एक पीरियड के बाद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। उसको हमारी जो प्रदेश भाजपा है वो कैसे मैनेज करती है आने वाले दिनों में, उसमें हम कितना अन्य लोगों का, पार्षदों का सहयोग और साथ ले पाते हैं, ये हमारे लिए एक रणनीति के तहत में हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार तो विपक्ष के पास में होता ही। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव लाइए। निश्चित तौर पर सुमित जी, जो मार्जिन है कहा नहीं जा सकता है कि आप पूरे 5 साल इसको चलाएंगे ही। पार्षदों में बहुत जल्दी जल्दी अविश्वास होता है, चार टूट के उधर चले गए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा जी। ये पद्धति जो है, ये सीधा सीधा क्लियर क्लियर पद्धति है। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको फिर बदल दिया जाएगा जी। महापौर अगर हमारे बने हैं, उनको काम करना होगा। अगर उसमें भी विसंगतियां आती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो सत्य बातें हैं उसमें बिल्कुल उसमें कहीं कोई दूसरी बात है ही नहीं। और ये नियम इसीलिए लाया गया है कि जो भी जवाबदारी लेगा वो पूरी जवाबदारी के साथ काम करेगा और पूरे लोगों को साथ में लेके विश्वास के साथ काम करेगा, तब नगर निगम का कार्य चलेगा। इस बात को याद करते हुए महापौरों को पूरा कार्य करना होगा। चलिए, समय कम है, जाते जाते मनोज जी आपसे सवाल यही है कि क्या ये 5 साल चलेंगे, नंबर एक। नंबर दो, क्या इसमें पूरी तरह, जैसे बार बार साम दाम आ रहा है, तो क्या सरकार के प्रभावी लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे मेयर बनाने में? और रहा सवाल दूसरा कि जो चार चार बड़े बड़े दावेदार थे उनको कैसे संतुष्ट किया गया? देखिए, जो चार बड़े दावेदार थे वहां पर तो सीधा एक को महापौर बनाना था, तो दूसरे को सभापति बनाना था। इसके अलावा MIC में कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो देकर संतुष्ट किया गया होगा। जैसा कि हमेशा होता रहा है, जब दावेदारों की संख्या ज्यादा होती है तो उस तरह से किसी न किसी तरीके से संतुष्ट किया जाता है कि चलो एक मेयर बन जाओ, एक सभापति, बाकी MIC के दो अच्छे विभाग जो मलाईदार विभाग है उस पे दो लोग को रख दिया। इस तरह से एक संतुलन बनाया गया होगा। और इसके अलावा जिस तरह से फील्डिंग की गई थी, क्योंकि हमने देखा कि 10 नगर निगम में केवल 3 में कांग्रेस बहुमत में था, बाकी 7 जगह पर मैनेज करना था और वहां पर निर्दलीय जिधर जाते उधर की सरकार बनती। ऐसी स्थिति में जिस दिन से निर्वाचन संपन्न हुए थे, पर्यवेक्षक बना दिए गए थे, उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, संगठन पूरा जो है इस काम में लग गया था कि किसी भी सूरत में शहर सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। तो मैनेजमेंट कांग्रेस का बहुत अच्छा था और इस तरीके से उन्होंने मैनेज किया। यहाँ तक कि कोरबा, जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है 5 पार्षदों का डिफरेंस था और 9 जो निर्दलीय पार्षद जीत कर आए थे, यदि 9 के 9 कांग्रेस में जाएंगे तभी ऐसी स्थिति में कांग्रेस वहां पर बहुमत में आती दिख रही थी।
और उसमें कुछ विपरीत विचारधारा वाले भी लोग थे, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस सफल रही। सभी के सभी निर्दलीय जो है आज तक की जानकारी में कांग्रेस के पक्ष में अपना भरोसा जता चुके हैं, और कोरबा में भी लगभग ये तय है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हालांकि वहां पर कांग्रेस का मुकाबला रहेगा। और एक सवाल आपने किया सर कि 5 साल चलेगी कि नहीं, तो इसका जो है तिवारी जी ने उत्तर दिया ही है कि साम दाम दंड भेद के चलते एक समझौते के तहत उनको लाया गया है, उनको भी ओबलाइज किया जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये व्यवस्था चल जाएगी 5 साल। जी बिल्कुल, मलाईदार कहे या कमाईदार कहे, ऐसी बात है कि कमाईदार मिल जाए मलाईदार। अंतिम चलते चलते धोती जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। देखिए जैसा कि तिवारी जी बार बार बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ये दल बदल ला सकती है या पार्लियामेंट लाएगी, मुझे भी लगता है आपने सही कहा कि पार्लियामेंट से ही दल बदल विरोधी जो संशोधन है वो उसमें करना पड़ेगा, संविधान संशोधन तभी उसमें आएगा। या तो व्यवस्था वैसी है, वैसे सुभाष तिवारी जी बड़े स्पष्टवादी नेता हैं और उन्होंने कह दिया कि अभी 5 साल तो अभी कोई टूटन की स्थिति नजर नहीं आती है। फिर भी लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, भले ही कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत ना रहा हो, बड़ी डामाडोल सी स्थिति हो, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा भारतीय जनता पार्टी से, इसमें कोई शक नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, तिवारी जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहने की। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में बीजेपी का 10 में से अब तक एक भी निगम में महापौर नहीं बना पाना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। वही कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि वो अंबिकापुर और कोरबा में भी अपनी शहर सरकार बनाएगी, उससे बीजेपी के हाथ से सभी निगम निकलते दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर पंचायत चुनाव में भी विपक्ष भाग जमाने में कामयाब नहीं रहा तो फिर बीजेपी का प्रदेश में पूरी तरह से बैकफुट जाना तय। खैर देखते हैं राज्य में बीजेपी अब खुद को फिर कैसे उबार पाती है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्यप्रदेश की करते हैं, जहां एमपीपीएससी से चयनित आरक्षित वर्ग के 91 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर नाटक अब तक जारी है, लिहाजा जनता मांग के जवाब में अब चर्चा आरक्षण की अड़चन को लेकर। तो मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9037 में से 4727 पद खाली थे, इनमें से करीब 3400 पदों पर भर्ती के लिए विभाग की डिमांड पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करके करीब 2700 उम्मीदवारों का चयन किया, लेकिन टॉपर महिलाएं अपनी नियुक्ति को लेकर फिलहाल संघर्ष कर रही हैं। यहां एमपीपीएससी से चयनित आरक्षित वर्ग की 91 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं अब इन महिलाओं ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए बात कही है कि अगर अब भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो 7 जनवरी यानी कल से आमरण अनशन करने को मजबूर होगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या इससे इन्हें नियुक्ति मिल पाएगी। इस गंभीर